आज माधव पब्लिक स्कूल पे खड़े हैं और यहाँ 3 दिवसीय स्पोर्ट मीट चल रहा था जिसका रिजल्ट आज आ चुका है। 4 हाउसेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। ये बच्चों को देख सकते हैं, ये येलो हाउस के बच्चे हैं, ये विनर रहे हैं। इनके 2 कैप्टन यहाँ दिख रहे हैं, इन कैप्टन से बात करते हैं। ये खुशी आप लोग देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पे, इतने की खुशी हर बच्चे के चेहरे पे नजर आ रहा है। ये इनके कैप्टन और कैप्टन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ा और किन चीज़ किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा, क्या चीज़ें इनको अच्छी लगी। ये ट्रॉफी आपके हाथ में दिख रही है, इसको पा करके कैसा लग रहा है? इतना बड़ा परिवार लेकर के लोगों को मैनेज करना कितना आसान और कितना कठिन रहा आपके लिए? आसान तो बहुत कठिन, कोऑपरेट की हम लोग जी, यानी बच्चों ने कोऑपरेट किया। ढेर सारा मेडल भी आपके गले में दिखा, सब आपका है, पूरे परिवार का है। अच्छा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सर वैसे तो सारे के सारे बच्चे खेले हैं बहुत अच्छा जी, लेकिन येलो हाउस में बेटर रहा है जी, सारे बच्चे मेहनत किए हैं। कई क्लास के बच्चे हैं तो हर बच्चों को मैनेज करना कितना आसान या कितना मुश्किल था? सर छोटे बच्चे, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे बदमाश रहे होंगे, शरारत करते रहे होंगे, उनको कैसे मैनेज करना? बच्चे तो बहुत अच्छे थे, बैठाते थे हम लोग और खेलते भी, सब बहुत अच्छे थे जी, मैनेज तो कर लिए, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे कैरियर के रूप में क्या चुनना चाहेंगे आप, गेम के क्षेत्र में या फिर? सर गेम में ही मेरा उसमें ही मन लगता है। गेम में कौन से खेल को कैरियर बनाना चाहेंगे? रेस। रेस को, अच्छा, दौड़ने में। आज ये सारा मेडल लेकर के, ये ट्रॉफी लेकर के कैसा लग रहा है? टीचर्स का इसमें क्या योगदान रहा और आपकी टीम का क्या योगदान? अच्छा तो बहुत लग रहा है सर, पूरे पूरे बच्चे ही बहुत अच्छे खेले हैं जी। येलो हाउस तो पहले से ही बेटर था, लेकिन और सब भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जीता तो येलो हाउस ही है लेकिन सब के सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, पूरा माधव ही जीता है। कितना मेहनत करना पड़ा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? मेहनत, कितनी तैयारियाँ रही? तैयारियाँ तो थी सर, बहुत किए थे हम लोग तैयारियाँ इसके लिए। तो ये पूरे साल की तैयारी थी या फिर नहीं, ये स्पोर्ट मीट की प्रैक्टिस थी? बस 10 दिन, 10 दिन की। आप ग्रीन हाउस के कैप्टन हैं, कौन से पोजीशन में आए ग्रीन हाउस? रनर सेकंड तक। रनर सेकंड में क्या कमियां रह गई कि आप सेकंड पोजीशन पर आए? कमियाँ थोड़ी मोड़ी रह जाती है, एक लोग जीत एक लोग को हार मिलेगा ही, तो मिलेगा ही, मतलब कि थोड़ी मोड़ी कमी रही तभी सेकंड आई, नहीं तो फर्स्ट आनी चाहिए। तो अगली स्पोर्ट मीट्स के लिए क्या तैयारियाँ हैं, क्या रणनीति है? अगली बार हम लोग पूरी को जी जान लगाएंगे, हम 100% एफर्ट देंगे गोल्ड लाने के लिए। जो विनर टीम रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विनर टीम अच्छा कोशिश की, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा रेड हाउस था। आपके हाथ में ट्रॉफी है, आप भी कैप्टन हैं? यस सर। ग्रीन हाउस की वाइस कैप्टन है। ट्रॉफी को हाथ में लेकर क्या महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है सर हाथ में लेके इसको। कहीं ना कहीं इच्छा रह गई कि विनर वाली ट्रॉफी आनी चाहिए थी हाथ में? यस सर, वो आएगी, अगली बार आएगी, डन है। नेक्स्ट टाइम में उसके लिए रणनीति बनी रहेगी एकदम। तो देखा आप लोगों ने, येलो हाउस ने ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत किया जाए और एक लक्ष्य बना लिया जाए तो किसी भी मुकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता है। ऐसे और भी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अवेलेबल।